Assalamualaikum ji. Welcome back to an episode of Kahe, Kazi. My guest today was Ahsan Mughal. Ahsan Mughal is a rapper. We get to speaking about the different kinds of rap. We get to also speak about educating an audience, about how an increase in audience literacy will make way for different kinds of collaborations, more music. And we speak about how he writes songs and claims that he could set up his lyrics on any kind of beat. Enjoy. Three, two, one. Mohammed Ahsan, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिट हूँ, बता। अभी हमें pretend ये करना है कि हमने बातें ही नहीं की हैं कोई। अभी अभी पहुँचा है Ahsan। कैसा है जानी? मैं फिट हूँ, बता। अल्हम्दुलिल्लाह करा। You, it was your birthday yesterday. Yeah. कैसी गई? अच्छी गई बस। Yeah. जो सारी बातें की वो आप यहाँ तो नहीं कर सकते हो। नहीं। सही, good है। So you're a rapper primarily. आज नहीं, कल मुझे उस्मान ने बोला कि Ahsan एक rapper है। मैंने बोला okay, rapper है। फिर मैंने आपके कुछ गाने सुनना शुरू किए। कलम वगैरह तो ख़तरनाक थे, लेकिन जो गाना अभी कॉपीराइट हो जाएगा तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, प्ले नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गाना मैंने बोला, यार ये तो कोई बहुत अलग सीन है। खुद ही जो गाना है, इवन उसका आर्टवर्क जो है, इट्स वेरी यूनिक मैन। ऐसा मैंने, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूनिक हो, लेकिन आप हो माशाल्लाह से। और जो Thank है you. वो सिर्फ आर्टवर्क नहीं, उसका जो लिरिक्स हैं, उसकी जो स्टाइल है, मंबल रैप कहेंगे इसको? नहीं, ये मंबल नहीं था। अच्छा, ये क्या था? ये, मुझे बताओ। पोएटिक था। ये तो पोएटिक था फुल। मतलब ये था, ये जो खुद ही गाना है ना, ये मैंने जिस टाइम पे लिखा था, ये लिखने के लिए, मतलब लिखने में मेरा सबसे मुश्किल गाना था मेरे लिए। कितना अर्सा लगा? मतलब इस गाने को तकरीबन मैंने 6-7 महीनों में लिखा था। ये गाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए लिखना, इसको सारा कुछ करना, मतलब ये वो है इस तरह का था। और इस पर ये मैंने एक बीट थी जो कि अब इसका, इस गाने के बारे में एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि जो बीट पे मैंने लिखा था ना, वो जॉइनर लूकस का एक गाना था, रिवेंज। ओके। हाँ, उस पर, उसकी बीट पे मैंने लिखा। अब ये था कि ये ना किसी और बीट पे नहीं था होता। मतलब मैं अभी, ये मेरा ये है कि मुझे कोई भी एक गाना तुम बता दो, मेरा अपना बता दो, मैं उसको जितनी बीटें दोगे मैं कर दूंगा उस पर। ओके। ये वो गाना था जो किसी और बीट पे नहीं था होता। सही। एक प्रोड्यूसर है टेबीट्स के नाम से, उसने मुझे जो है ना मिला, मुझे इस्लामाबाद में था मैं उस टाइम पे, तो वहाँ पे मिला, उसने मुझे बीटें सुनाई वहाँ पे, उसने ये बीट मुझे सुनाई पहले, उसने जब ये सुनाई, मैंने उसी टाइम सबसे पहले मैंने यही गाना शुरू किया इस पे। और मेरी, मतलब उस टाइम पे मेरा ये था कि भाई ये पहली बीट है रिवेंज के अलावा जिस पे ये गाना हो रहा है। तो मैंने उसी टाइम, उसी रात को इसको रिकॉर्ड किया, इसको मतलब वो एक रात में हमने इसको जो था ख़त्म कर दिया था इस गाने को। लेकिन ये था कि ये किसी और बीट पे नहीं था होता। ये लिखना भी बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, इसकी हर चीज़, मतलब जितना भी था ये सीन था इस गाने के साथ। बट यू डिड मेंशन, आपने कब शुरू की रैपिंग, आप मुझे बताओ। यार रैपिंग मैंने सुना जो था, सबसे पहला गाना वो था इन द एंड। In the end, उसमें माइक शिनोडा का रैप था। सही, सही। One day, it starts with one thing. सही। I don't know वो। उसके बाद मैंने जो दूसरा गाना सुना था, वो सुना था बोहिमिया का, छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो। उम्र क्या थी आपकी? उम्र नहीं याद, आई थिंक मेरे ख्याल से 2007-8 की बात है। Bro, 98 की पैदाइश है। 10 साल के थे आप। सही है। Because you're young, you're 24 right now, माशाल्लाह से। सही है। और बोहिमिया का छोड़ दो, उसके बाद मैं बोहिमिया के और गाने सुने थे। उसके बाद ये था कि मैंने जो पहला गाना लिखा था अपना, वो 2011-12 में आई थिंक इस एरा में लिखा था। वो जब मैंने लिखा, वो आज तक मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन पेपर के ऊपर। हाँ, लेकिन उसको कभी किया नहीं है कुछ। अब ये था कि उसके बाद ये था कि हमारे वहाँ पे, जहाँ से मैं हूँ, डस्का से हूँ, डस्का जो है, आपको पता है कहाँ पे है डस्का? ये जो है, ये सियालकोट और गुजरांवाला के बिल्कुल दरमियान में, बिल्कुल उसके दरमियान में है। मेरी सारी ज़िंदगी जो है डस्का और गुजरांवाला में गुजरी। ओके। तो उसका ये था कि मतलब वहाँ पे अभी तक कोई स्टूडियो नहीं है, किसी किस्म का कोई स्टूडियो नहीं है। तो मेरा ये था, मैं लिख रहा था, स्टेज पे परफॉर्मेंस शुरू से करता रहा हूँ। मतलब 2013 में मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया, और स्टेज पे मैं शुरू से परफॉर्म करता रहा हूँ। वहाँ पे कोई स्टूडियो नहीं था, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं था कर सकता, बजट में नहीं था मेरे पास इतना कि मैं मतलब लाहौर जाऊँ या कहीं और जाऊँ जाके रिकॉर्ड करूँ। उसके बाद ये हुआ कि 2019 में एक पेप्सी रैप बैटल,
के नाम से एक कॉम्पिटिशन हुआ था okay. उसका लिंक मुझे मेरे भाई ने भेजा, काफी लोगों ने भेजा right. यार ये हो रहा है इस पे कुछ कर 2019 हाँ mm-hmm. उधर मैंने एंट्री की थी अपनी एक, तो वो मैं सिलेक्ट हो गया और मेरे लिए ये था मैं कभी ना उस टाइम तक मैं कभी किसी रैपर से नहीं था मिला okay. 2019 हाँ, तक 2019 हाँ, तक मैं हाँ तब से ले गए अभी तक मैं वो 2019 तक मैं किसी रैपर से नहीं मिला Interesting. और मैं फर्स्ट टाइम जिन रैपर से मिल रहा हूँ वो कौन थे तलहांजुम तलहा यूनस ये लोग हाँ. मतलब फर्स्ट टाइम मैं रैपर से किसी रैपर से मिल रहा हूँ और वो लोग ये थे तो मेरे लिए एक बड़ी बात थी कि यार माशाल्लाह से लेकिन उसके बाद मतलब एक रैपर है कराची के समी अमीरी ओके okay. उन्होंने मुझे कहा कि यार तेरा पास अगर रिकॉर्डिंग का सेटअप नहीं है तो यहाँ पे लाहौर में एक दो बॉयज़ हैं मैं उनको कह देता हूँ. उसने फिर जो है अकील सरफराज के नाम से एक रैपर है उनको okay. कहा कि यार इनकी ऐसे अकील भाई ने मुझे कहा यार समी ने मुझे बताया ये वो सीन है इस तरह तू मेरे पास आ जा मैं कर दूंगा तेरी रिकॉर्डिंग. मुझे उस टाइम तक रिकॉर्डिंग का पता भी नहीं था करते कैसे मिक्स मास्टर नन ऑफ कोई चीज नहीं थी मतलब कभी स्टूडियो गए ही नहीं कभी देखे ही नहीं किस तरह होता है ये काम. सही मैं उस टाइम पे 2019 में मैं गया लाहौर गया अकील भाई के पास गया उन्होंने मुझे पहले जाते बताया कि ऐसा रिकॉर्डिंग करते हैं इस तरह. आज भी मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता तो मुझे यही होता है कि भाई के रिकॉर्डिंग में अगर कोई वो है टीचर है मतलब हजरत अली का एक कॉल है कि आपने जिसने आपको एक लफ्ज भी सिखा दिया वो आपका जो है तो अकील भाई ने रिकॉर्डिंग करना सिखाया था तो आज भी वो मेरे लिए वो मेरे टीचर हैं इस अगर रिकॉर्डिंग तो आज भी करता तो वो चीज़ याद आती है कि यार उन्होंने सिखाया यार ये पहले हम इस तरह करेंगे टेक्स में करते हैं ऐसे करते हैं वैसे करते हैं. मैंने वहाँ पे फिर रिकॉर्डिंग की पहले गाने की रिकॉर्डिंग की. पहला गाना मैंने सबसे पहले जिस बंदे को सुनाया था मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग करके वापस आ रहा तो उस दिन तलहा भाई लोग थे वहाँ पे लाहौर में तो इनसे मेरे पहले बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ अभी एक शो पे हैं वहाँ से फ्री होंगे तो मैं बताएंगे. उधर फिर तला भाई कॉल है अभी मैं रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ तला भाई कॉल है कहते इधर आ जाओ हम यहाँ पे हैं. मैं वहाँ पे जाता हूँ मैं जाके सबसे पहले गाना सुना रहा हूँ उनको पहला गाना था मेरा क्या दोनों को हाँ गुड हो गया तो मेरे लिए बड़ी मजे की चीज़ थी यार पहला गाना रिकॉर्ड किया उनको सुना रहा हूँ. कैसा लगा उनको? उनको अंजुम भाई बैठे उन्होंने वो सुन रहे हैं वो कहते यार वाइब है कहते फुल मजे की चीज़ है. और क्या बनाया था नाम क्या पहले गाने का? हिप हॉप का जमाना. हिप हॉप का जमाना. ऑलराइट फ्रॉम 2019 एंड देन यू नो रिकॉर्डिंग योर फर्स्ट थिंग. अभी हम रिसेंटली बात कर रहे थे तो यू हैव अ वेरी यूनिक साउंड. ये मैं मतलब मजाक के अलावा कह रहा था आपकी तारीफ के अलावा कह रहा हूँ कि अब जैसे मेलोडिक जो है ये जानी कर रहा है और कोई इतना नहीं कर रहा है. ठीक है ना मानू करता है लेकिन मानू दो अलग चीज़ें करता है रैप भी करता है और फिर प्रॉपर सिंग लेकिन जो मेलोडिक रैप है वो जानी कर रहा है. आपका एक बहुत यूनिक साउंड है मुझे थोड़ा बताओ ये डिवेलप कहाँ से हुआ? आप बोहिमिया को पहले सुनते थे फिर यंग सिनर्स को सुना शायद ऐसा? ये था कि मैंने सुनना जो शुरू किया था बोहिमिया से हाँ. बोहिमिया के बाद मैंने दूसरा जो रैपर प्रॉपर सुना था वो एमिनम को सुना था. एमिनम के बाद मैंने लिल वेन को सुना था. सही लिल वेन को तो बहुत सुना मैंने. ठीक है उस बंदे को बहुत सुना मैंने. तल्ला भाई का बर्गरे कराची सुना था मैंने. गुड वो भी फेसबुक पे कहीं पे. उसके बाद तल्हा अंजुम का मैंने दूसरा जो गाना सुना था वो था गालिब. ठीक है तल्हा अंजुम का एक गाना था गालिब वो सुना था. उसके बाद इनके और गाने आए थे. तला यूनस का मैंने जो मतलब बर्गरे कराची के बाद जो पहला गाना सुना था वो 2017 में आई थिंक सुना था. वो गुची गैंग का नहीं एक और था उसका रीमिक्स किया हुआ था किसी गाने का तो वो सुना था. उस टाइम पे मैंने कहा भाई ये वो लोग है ही नहीं जो वो थे. हाँ हाँ तो उसके बाद रीबर्थ आई वो सुनी मतलब इस तरह था मतलब. लेकिन पाकिस्तानी उस टाइम में बहुत कम. उस टाइम मैं बोहिमिया को सुन रहा हूँ लिल वेन को सुन रहा हूँ एमिनम को सुन रहा हूँ इन लोगों को सुन रहा हूँ. कैंड्रिक जे कोल इनको आगे मैंने 2019 में सुनना शुरू किया मुझे पता ही नहीं था. ओके मतलब एक डिफरेंट वहाँ पे मेरे नज़दीक जब एक बंदा है जिसके पास कोई रैपर ही नहीं है कोई और है ही नहीं है उस तरह का मैं अकेला हूँ तो मुझे तो जो सामने जो नज़र आ रहा है मैं तो वही सुनूंगा. सही तो ये सीन था मेरा. सही सही तला भाई को उसके बाद जब सुनना शुरू किया प्रॉपर जब इनको मैंने सुनना शुरू किया वो एक गाना आया था इनका भारी है. ओके भारी है जब मैंने सुना तो मैंने कहा भाई. लेकिन आपका अपना रैपिंग स्टाइल इवॉल्व कैसे कर रहा था थ्रू आउट दिस टाइम क्योंकि इट्स नॉट ये जो आपका ऐसा साउंड अब है ऐसा पहले तो नहीं था ना? नहीं. हाँ तो ये कैसे हुआ? या ये कॉन्शियस डिसीजन था आपने सोच के बोला कि ये था कि मैंने जब देखा ना कि पाकिस्तान में जो रैप हो रहा है उसके मतलब मैं कोई भी चीज़ सुन रहा हूँ उसके अंदर से सिर्फ एक चीज़ की महक आ रही है यंगस्टनर्स उसके बाद अगर महक आ रही है थोड़ी सी फारिश शफी तो मैंने कहा यार
अगर मैं भी यही करूँगा तो वही होगा जो सबके साथ हो रहा है. सही, फेयर. तो मैंने थोड़ा सा मतलब उसको कहा कि यार मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल थोड़ा अपना चेंज करूँगा, थोड़ा मतलब और चीज़ों के बारे में बात करूँगा, अपने बारे में बात करूँगा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट करूँगा मैं इस वजह. थोड़ा लोगों को ये चीज़ बुरी भी लगती है थोड़ी सी कि मैं मंबल करता हूँ. पता नहीं, यही तो यही मुझे नहीं समझ आती कि लोग इस चीज, मुझे नहीं पता कि क्यों लोगों को बुरा लगता है कि मंबल कर, ये मंबल करता है, इसको नहीं, ये तो वो. लेकिन मैम ठीक है यार, तुम कहते रहो ठीक है. नहीं, वो तो जाहिर है, आप तो अपना ही काम करोगे. लेकिन क्यों, मतलब मुझे बात बताओ ना, व्हाट्स उनका इशू क्या है, कि उनको समझ नहीं आ रही बात? समझ तो आ रही है ना बात. मंबल में एक ये भी है ना, आपको प्रॉपर आपको लिरिक्स पढ़ने पड़ेंगे प्रॉपर. आपको मतलब वो चीज़ थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी साथ. मैं प्रॉपर मंबल तो नहीं कर रहा जो लिल पंप कर रहे हैं ये वो लोग कर रहे हैं, उस तरह तो नहीं कर रहा. मतलब लिरिकल है सारा, जितना भी है लिरिकल है, स्टाइल वो वाला कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा. वो भी लिल वेन से थोड़ी सी इंस्पिरेशन है, लिल बेबी से इंस्पिरेशन है, हाँ इन लोगों से इंस्पिरेशन है. सही, तो इस वजह से कर रहा हूँ. सही. आपका जो ये है आपका, सो यू लिव ऑब्वियसली एक तरीके से आप आइसोलेटेड हो थोड़े बाकी रैप सीन से. तो आप जब कराची आते हो तो हमने ये बात की थी, आपकी वोकैबुलरी में कैसे इजाफा हुआ, आपकी जो लफ्ज है आपने पहला कराची में कौन सा सीखा, प्लीज बताएं. एक 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 लफ्ज है जो मैंने कराची में सीखा के, उससे पहले आता ही नहीं था आपको? नहीं, मुझे पता भी नहीं था उस लफ्ज का. ठीक है, गुड. वो था भड़वत. सही है. अब इसके इस जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मतलब फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ भड़वत. अब मेरा ये था कि मैंने कहा कि यार मैंने कराची के अंदर 50-60 लोगों से इस लफ्ज़ का मतलब पूछा, ठीक है, 50-60 लोगों ने मुझे इस लफ्ज़ का एक डिफरेंट मतलब बताया. मतलब उन सब का मतलब जो था वो एक नहीं था मिल, मतलब किसी ने कोई चीज़ बताई है, किसी ने कोई चीज़ बताई है, किसी ने कोई चीज़ बताई है. ओके, मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब एक लफ्ज़ है इतने लोगों से पूछा है, हर बंदा डिफरेंट बता. अभी तक मुझे उसका कोई प्रॉपर मतलब नहीं पता चला कि वो क्या मतलब है उस लफ्ज़ का भड़वत. अभी भी नहीं पता नहीं. यार तो टेक्निकल मतलब तो इसका ये होता है कि जब आप किसी को, ख्वातीन को या हजरात को आप बेचते हो, जैसे ना देते हो, जैसे पिंप होता है, उसको भड़वा कहते हैं. ठीक 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 ठीक. भड़वत पिंपिंग को बोलते हैं. अल्लाह रहम करे यार. क्या ऐसा क्या बातें करवा रहे हो मेरे से यार, ये बातें करवा लो मेरे से. बट तो इसका और फिर अगर आप ऐसे एक दूसरे में बात कर रहे हैं, कैजुअल गुफ्तगोरी को लोकलिज्म में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि अपनों को बेचना. अगर आप मेरे दोस्त हो, मैंने आपको बेच दिया, मैंने आपको आगे कर दिया, मैंने आपकी शिकायत लगा दी, उस सब चीज़ को टेक्निकली बोलते हैं ये. लेकिन ये लफ्ज था कि मतलब मैं आया, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, तो मैं बड़ा हुआ कि यार इसका मतलब क्या है. हाँ, लेकिन ये बड़ा था. लेकिन 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 कराची में ये काम काफी होता है, तभी सुना आपने, क्यों सुना ये लफ्ज आपने? होता है तो सुना है ना, मतलब होता है, लोगों को पता होता है ये चीज, होती होगी तो सुना ना. हाँ, क्यों आपके ख्याल में कंपटीशन ज्यादा है, सोच छोटी है, क्या मसला क्या है, क्यों है, क्यों ऐसे काम होते हैं? कंपटीशन, आई थिंक कंपटीशन बहुत है. लेकिन कंपटीशन सोच का भी है, मतलब लोगों की सोच बहुत छोटी है. एक कंपटीशन पहले पे कंपटीशन, उसके बाद सोच छोटी है. कंपटीशन अच्छी चीज नहीं होती है? अच्छी चीज होती है अगर आपके जैसे. लेकिन लेकिन ये ना, कंपटीशन में आपने जो भी मुझे मतलब बताया, कंपटीशन में आप वो चीज तो ना करो. तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आप जैसे तीनों और होंगे तो आपको तो ये चाहिए ना कि यार अब इन तीनों को हराना है. अब मैंने ज्यादा जान मारनी है, ना कि इनको हटा दो मैं जान उतनी मारूं. तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि कंपटीशन, आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है उस जगह पे, लेकिन कंपटीशन के लिए तुम भड़वत तो ना करो. ना करो. आप सोचो यार. खैर यार अब सही है, ठीक है. कोक स्टूडियो का ये जो नया एल्बम आया है, सारी दुनिया वगैरह, ये मतलब सारी दुनिया नहीं, सॉरी ये दुनिया, सारी दुनिया तो बोहेमिया का था. हाउ डू यू रेट ये वाला जो सीजन है ऑफ कोक स्टूडियो? मतलब एज अ फैन मजेदार है, कैसा है? उस्मान इज आल्सो इन द स्टूडियो एंड येट अगेन इज लेट एंड सो ही विल नॉट गेट अ माइक. उस्मान आप बैठे रहे यहाँ पे, हम बात कर रहे थे ब्रो अबाउट कोक स्टूडियो. हाउ डू यू लाइक ये वाला, कैसा था सीजन यार?
کوک اسٹوڈیو کا یہ سین ہے کہ میں کوک اسٹوڈیو اگر کوک اسٹوڈیو کی کہیں پہ لفظ آتا ہے نا تو اس سے میرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوک اسٹوڈیو پاکستان کا مطلب کلچرل مطلب وہ سارے اسپیکٹس جو پاکستانی میوزک میں چاہیے وہ والا. اس دفعہ جو کوک اسٹوڈیو ہے وہ چیز نہیں تھا, مطلب آپ پہلے 6 سیزن سنیں. اوکے, آپ کو اگر ساؤنڈ چاہیے کوک اسٹوڈیو آپ پہلے 6 سیزن سنیں جا کے, اس کے بعد آ کے یہ سنیں تو یہ کوک اسٹوڈیو ساؤنڈ نہیں ہے. مطلب جو مجھے کوک اسٹوڈیو سے جو ساؤنڈ چاہیے وہ نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو اس کوک اسٹوڈیو میں کہ مجھے وہ والے آرٹسٹ نہیں ملے جو ایک ٹائم پہ مطلب چکوال گروپ. ایک منٹ, تو یہ اب دیکھو اس طرح کے آرٹسٹ نہیں ملے. ایک پیج ہے ان کو میں یہاں پہ شارٹ آؤٹ دوں گا, ہونی ان ہونی کے نام سے. ہونی ان ہونی, اوکے اوکے. ان کا میں آج کل کام دیکھ رہا ہوں, مطلب وہ جاتے ہیں بالکل ہی مطلب جن کو کوئی بھی نہیں جانتا ان کی, وہ لوگ ہیں کوک اسٹوڈیو کے حقدار. ان کو لا کوک اسٹوڈیو میں کیا چل رہا ہے, صرف جو اسٹیبلش آرٹسٹ ہیں ان کو پکڑو, بزنس کرو, بس یہ کرو. اوکے, کرو ٹھیک ہے, ہاں صحیح, لیکن ساتھ کوئی ایک اس طرح کا آرٹسٹ بھی ان کے ساتھ بٹھاؤ. ٹھیک ہے, اوکے, ساتھ ان کے. اوکے, آلرائٹ, آلرائٹ. ہاں, آپ چاہ رہے ہو کہ جو کولیبریشنز ہوں ان میں مطلب ایک طریقے سے جن آرٹسٹ کے اتنے بڑے نمبرز نہیں ہیں, اتنے بلیبل نہیں ہیں, وہ بھی آنے چاہیے. اور فل کلچر مطلب جو پاکستان میں یار مطلب سندھ کے اندرون میں جاؤ, جا کے وہاں سے کوئی لوگ اٹھاؤ جو فل سندھ کے میوزک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں جاؤ, پنجاب میں جاؤ, بہت لوگ پڑے ہیں, ان کو پکڑو جا کے. مطلب یہ ہو نا کہ طلحہ انجم ایکس کوئی چکوال گروپ جیسا بندہ, اوکے اوکے, مجھے بھی مزہ آئے گا. آل رائٹ یار, چیز بنی ہے. سو آپ صرف یہ بول رہے ہو کہ جو کولیبریشنز ہیں وہ بڑے نمبر والے آرٹسٹ ود ادر بڑے نمبر والے آرٹسٹ, فارس شفیع, طلحہ انجم, مطلب گانا اچھا بن گیا لیکن فائدہ ہے سچ ان کو کتنا ہوا, اس طریقے سے آپ بات کر رہے ہو. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کو کوک اسٹوڈیو پہ بلائیں گے؟ فرق نہیں پڑتا. نہیں فرق پڑتا, ویری انٹرسٹنگ برو. So, I've never been to Punjab, right? And I've never been to Gujranwala. And you, kaisa scene hai wahan ka? Yeah, Gujranwala mein aap aaye, aap mujhe bataye. Main aage kya karun? Gujranwala ka basically ye scene hai, aap aaye na wahan pe kabhi. Gujranwala agar aap dekhe mashhoor kis cheez se hai to wo wahan pe khane, local food jo hai. Us cheez uske bare mein Gujranwala mashhoor hai proper. Uske baad ہاں گجرا والا اسی چیز کے بارے میں ویسے مشہور ہے, وہاں پہ لوگ صرف کھاتے ہیں, وہاں پہ لوگ کھاتے ہیں. ہاں تو میں آپ کو ایک بڑی مزے کی یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گا. گجرا والا میں نا وہاں پہ ایک چیز ہے کہ آپ کسی سے پوچھو گے نا بھائی کہاں جا رہے ہو, تو آپ کو جواب ملے گا بھائی کھانا کھانے جا رہا ہوں. آپ کسی سے پوچھو گے نا بھائی کہاں سے آ رہے ہو, کھانا کھا کے آ رہا ہوں, کھانا کھا کے آ رہا ہوں. یہ سین ہے, گڈ سین ہے. آرٹسٹ کمیونٹی کیسی ہے وہاں کی؟ آپ نے ابھی بولا کہ وہاں پہ ایک اسٹوڈیو بھی نہیں ہے. ایک اسٹوڈیو بھی نہیں ہے, آرٹسٹ ہیں کافی ہیں لیکن اسٹوڈیو نہ ہونے کی وجہ سے تو مطلب وہاں پہ کوئی اس طرح. ابھی یہ ہے کہ میں اس طرح کے بوائز کے جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یار آرٹ اچھا ہے ان کا, میں ان کو بلاتا ہوں, ان کے فری میں گانے بناتا ہوں, ان کو دیتا ہوں. واو, مطلب جو افورڈ نہیں کر رہا. اوکے, کئی لوگ ہیں جن سے میں نے پیسے بھی لیے ہیں, مطلب مجھے پتا ہے یہ افورڈ کر سکتا ہے, صحیح ہے, تو میں اس کو کوٹ کروں گا یار یہ صحیح. لیکن جن کا نہیں, مجھے پتا ہے کہ یار یہ نہیں اتنا افورڈ کر سکتے, ان کو میں بلاتا ہوں, ان کو مطلب فری میں بنا کے دے رہا ہوں. اور ٹیلنٹ پول کیسا ہے کمپیئر ٹو کراچی یا لاہور؟ یہ وہ سٹیز ہیں جہاں پہ انڈسٹری ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ مطلب وہاں پہ بھی مطلب جائے لوگوں کو اتنا نہیں پتا, اتنی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا جس طرح مجھے بھی نہیں تھا پتا ایک ٹائم پہ, صحیح جیسے میں نے بتایا. صحیح صحیح صحیح. تو اس طرح بھی لوگ جب یہاں پہ نکلیں گے تھوڑا باہر آئیں گے پھر پتا چلے گا. تو اس وجہ سے مطلب ابھی آرٹسٹ وہاں پہ ہے تو صحیح ہے لیکن اس طرح کا کام نہیں ہے ان کا, اس لیول تک نہیں ہے. کیونکہ میں نے جو یہ اپنا جانی زیس شارے سب سے یہ گفتگو کی کہ اب الحمدللہ, اللہ رحم کرے ایسی بات بولو نہیں, اب خیر, اب جو ہے نا ہمارے جو میوزک کا جو لیول ہے, پروڈکشن کا جو لیول ہے, اس میں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کام میں زیادہ فرق نہیں ہے. ہوگا فرق ابھی بھی, ظاہر ہے ہمارے شاید پروڈیوسرز اتنے ایکسپیرینس نہیں ہیں اور کم ہیں. ہم کن کو جانتے ہیں؟ ہم جوکھے بھائی کو جانتے ہیں, سلطان کو جانتے ہیں, ایک دو اور ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. میں خود بھی ابھی ایم جسٹ ناؤ گیٹنگ انٹروڈیوس ٹو آل آف دم. شاید زیادہ ہو جائے, شاید لیول تھوڑا اور ہو جائے تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے بہت قریب آ گئے ہم ان ٹرمز آف پروڈکشن. آپ کا بھی یہ جو گانا ہے جس کا نام میں پھر بھول گیا, بٹ ابھی خود ہی تیری خیر, خود ہی جو ہے پروڈکشن وائز اس کے, تو خیر مجھے تو لیرکس بھی بہت اچھے لگے, بٹ پروڈکشن وائز اٹس رائٹ دیر, لائک آئی کوڈ سینڈ اٹ. میں کینیڈا میں میرا کوئی دوست ہوں میں اس کو بھیجوں تو اس کو اس گانے میں اور شاید
आई डोंट नो, कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट के गाने में इतना फर्क नहीं नजर आएगा कि यार ये मैं सुनूंगा ही नहीं, कान में चुभ रही है कंपेयर टू. तो आई सपोज ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टेक्निकली अब जो है, अब सिर्फ आपके हुनर की, अब सिर्फ आपकी मेहनत की बात आ गई है. अब क्योंकि प्रोडक्शन इक्विपमेंट सस्ता हो गया है और टेक्निक्स आ गई हैं, सही है, तो आप तकरीबन उस लेवल पे हो. इस बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि टेक्निकली नाउ यू कैन बी कंपेयर्ड टू लिल वेन टेक्निकली, बिकॉज अब जो है इक्विपमेंट का मसला नहीं है, उसके पास ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट है, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ से उस क्वालिटी तक पहुँच सकते हो. क्या सोचते हो, सीडी मिक्सर है, कैसेट चेंज हो गई है, ये बात हम बाद में करेंगे कि ये जो है जब इंटरनेशनल आर्टिस्ट से कंपेयर होते हैं तो इनको महसूस क्या होता है. रिसेंटली यू केम आउट विद अ सॉन्ग वाज रिलीज्ड, आज ही हुआ है, जे विद JJ47. टॉक टू मी अबाउट दैट, व्हाट वाज दैट प्रोसेस लाइक? यार जे सर के साथ मैंने गाना जो था, मतलब एक था कि मैंने करना है जे सर के साथ, तो जे सर से मेरी बात हुई, जे सर को मैंने कहा कि जे सर कहते ठीक है मुझे बना के भेज दो. उस टाइम पे मेरे पास एक बहुत इस तरह का गाना पड़ा था कि मतलब वो था कि मैं जे सर को भेज सकता हूँ, मैं बना के भेज दिया. उस टाइम पे आई थिंक पाकिस्तान में नहीं थे, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा भाई ठीक है ये गाना ऑन है, मैं इस पे कर रहा हूँ वर्स. तो उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, उन्होंने करके भेज दिया. सही. डू यू थिंक मेरे लिए बड़ी बात थी कि एक ओजी है मतलब गेम के, उनके साथ गाना कर रहा हूँ. व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम एज एन आर्टिस्ट? भाई आतेबाज नहीं, हम अभी मशहूर नहीं, ये गाने रिपीट पे सुने हैं मैंने. वे गोना मेक इट, मैं ग्रेट आर्टिस्ट हैं, मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में. और तो व्हेन यू अप्रोच समवन लाइक दैट, अभी आपने बोला कि आपका पहला जो प्रोड्यूस्ड गाना था वो तला भाई लोगों ने सुना, राइट, एंड नाउ यू ऑल्सो हैव अ सॉन्ग विद देम, राइट, एंड नाउ यू हैव अ सॉन्ग विद JJ47, राइट. What does that feel like? I know you don't care about being mainstream, right? आपने अभी वाजे बोला कि मुझे mainstream नहीं होना है, मुझे अपना काम करना है, right? और आप you know free में भी artist को record भी करके दे रहे हो, ये सब मतलब बहुत अच्छी खूबसूरत बातें हैं. But then when you record with big artists like this, how does that feel? अच्छा लगता है यार, मतलब मेरे लिए तो ये था कि मैं, मेरा उस टाइम पे ना कोई गाना नहीं था, जिस टाइम पे तल्ला भाई ने मुझे कहा था कि भाई गाना करते हैं, मेरा उस टाइम पे कोई गाना नहीं था. Wow. तो आपने अभी पीछे बात की ना, कोक स्टूडियो तुम्हें बुलाएगा नहीं बुलाएगा, तो मैंने कहा फ़र्क नहीं पड़ता उसका, ये मुझे पता है यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, खुदा देख रहा है वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा कुछ ना कुछ, राइट. वही इतनी सी बात है, और अच्छा लगता है यार, मतलब कोई भी इस तरह तारीफ करें या कोई करे, अच्छा लगता है बस. सही, बिकॉज आई डिड आस्क यू इन द ब्रेक कि आप जो है यू नो अगर आप ये फ्री में करते रहोगे, ब्रो पैसे भी एक चीज़ होते हैं ना, पैसे भी, तो उस पर आपने यही बोला कि हाँ, वो मैंने वही बोला कि मैं उसकी मखलूक के लिए करूँगा इंशाल्लाह, तो वो मेरे लिए करता रहेगा बस, ठीक है. मैं इस चीज़ को नहीं देखता यार, आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है वो कर देगा, अभी तक कर रहा है, सही, आगे भी कर देगा. सही, ब्यूटीफुल थॉट. वेयर डू यू लाइक परफॉर्मिंग, अभी तक आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया? यार मैंने अभी तक जो है लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची, हाँ इन सिटीज़ में किया. विच वन डू यू लाइक द बेस्ट? लाहौर. हमारे सामने बोल रहा है, यहाँ बैठ के बोल रहा है, लाहौर कराची से बेहतर है ब्रो. हाँ क्यों, जवाब दो. आपने मैं तो आए नहीं ब्रो, मैं क्या आप आए नहीं, यही तो बात है. तो तेरा वैसे ही आप आए नहीं, यही तो बात है. आपको भी लाहौर आए किसी शो पे आए तो सही. हाँ इंशाल्लाह, आप देखें आप क्या सीन होता है, मतलब कराची में वो चीज नहीं है. ये उस्मान मंसूर बैठा है इससे पूछे. हाँ नहीं 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 उस्मान मंसूर से तो मैं बात करता हूँ, लेकिन लेकिन अच्छा मजाक, ये तो मजाक है ना. ऑब्जेक्टिवली क्या चीज नहीं है, अगर आपको मैं ऑब्जेक्टिवली सीरियसली एक बात करूँ कि अच्छा कराची में अभी हमने भड़वत की भी बात की, हाँ, सोचो मैं, मैंने हाँ, मेरे से एहसन ने क्या क्या बुलवाया, अल्लाह रहम करे. लेकिन हम जो है ना, देखो भाई हम जो है ना एकेडमिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल टर्म है, हाँ, टेक्निकल टर्म हाँ, बोल रहा हूँ मैं कोई गाली नहीं दे रहा किसी को. व्हाट इज इट दैट्स मिसिंग इन कराची जो आपको लाहौर में फील होता है? यहाँ का साइज ज़्यादा बड़ा है, यहाँ का स्केल ज़्यादा बड़ा है ना, यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह सब हर चीज़ है, सिर्फ एनर्जी नहीं है, मतलब शोज पे जो लाहौरियों में एनर्जी है वो नहीं है यहाँ पे लोगों में उस तरह. इंटरेस्टिंग, ओके ओके. और रैप सीन के हवाले से क्या है, वहाँ का रैप सीन डिफरेंट है यहाँ से? वहाँ पे रैप सीन अभी मतलब इतना है नहीं है लाहौर में इतना, कराची में, कराची तो हब है ना इस चीज़ का, मतलब यंगस्टर्स, हाँ हब है, फिर भी मज़ा वहाँ पे आता है आपको परफॉर्म करने का, तो तल्ला भाई को भी वहीं पे आता है.
नहीं बात ये है, देखे बात ये है कि एक पीछे फेस्टिवल हुआ था लाहौर में, मेरे ख्याल से कराची में भी उतना बड़ा कभी तलावे का फेस्टिवल नहीं हुआ कोई। अच्छा, आधे से ज्यादा लाहौर बंद था, बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे, मतलब जहाँ पे बोतल फेंक दी थी किसी ने। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था वहाँ पे, वो भी लाहौर में हुआ था ना ब्रो। उतनी जितनी ऑडियंस उस शो पे थी, हाँ। वो आज तक कराची के किसी शो पे नहीं। कराची तलहा भाई को परफॉर्म करने का आई थिंक सिर्फ इस वजह से मजा आता है क्योंकि वो कराची में पले बड़े हैं, यहाँ के लोग जब सामने होते हैं तो ज्यादा मजा आता है उनको परफॉर्म करने का। लेकिन लाहौर की जो तलहा भाई का ना एक बड़ा पुराना इंटरव्यू है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई मैं लाहौर में परफॉर्म करना चाहता हूँ। यार देखिए, वो पुरानी बातें थी, पुरानी बातें नहीं, आप सारी बातें देखे ना। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज अगेन वही वाली बात है, मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ ना लाहौर। तो ये चीज़ें मैं सोचता हूँ कभी कभी कि There's a reason. देखो लाहौर से बहुत, लाहौर में से बहुत शानदार किस्म के आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं, राइट? और उनका एक ये बात है कि उनका जो प्रोडक्शन लेवल है ना, मतलब जितने, जैसे मानू है फॉर इंस्टेंस, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ मानू है, मानू कितने गाने निकाल चुका है अभी तक, यू नो। इसी तरीके से ज़्यादातर वहाँ के आर्टिस्ट का ये प्रोडक्शन लेवल है, और वहाँ का जो सीन है ना, मुझे कभी कभी ये फील होता है कि यहाँ पे वैसी कम्युनिटी नहीं है जैसे वहाँ पे एक दूसरे का हाथ बटा देते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, कोई मसला, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा एक दूसरे को काटने वाला सीन फील होता है। मैं तो नहीं हूँ ना आर्टिस्ट, मुझे तो, मैं तो सिर्फ बाहर से देख रहा हूँ। फील नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे वो चीज़ है जो जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, लाहौर में इतना नहीं है अभी। नहीं है, क्यों नहीं है आपके ख्याल में? अभी इतने आर्टिस्ट नहीं है इसलिए, ज्यादा आ जाएंगे फिर हो जाएगा वहाँ पे भी, आई थिंक है। हाँ, तो फिर लेकिन आर्टिस्ट वहाँ पे भी बहुत हैं, लेकिन ये कराची वहाँ, वैसे ये भी बात है कि आर्टिस्ट अभी वहाँ पे इतने नहीं हैं। हाँ, आर्टिस्ट हैं लेकिन इतने नहीं हैं जितने कराची में। कराची में तो हर जगह, मतलब हर जगह पे आर्टिस्ट फैले हैं, क्योंकि मतलब, क्योंकि मुझे ये कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लेकिन ये फील होता है कि यहाँ कराची की जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी ऐसे केओटिक है, थोड़ी सी गुस्से वाली है, ट्रैफिक में महसूस होता है। खैर, ट्रैफिक वहाँ पे भी खराब ही है, लेकिन पता नहीं यार, ये मैं भी ना काफ़ी सोचता हूँ इस बारे में कि यहाँ पे इतने लोग हैं, इतना काम हो रहा है, एक दूसरे का अगर हाथ बटाएं तो ब्रो, मतलब दुनिया दुनिया है यार, क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, एक दूसरे को काटने में पूरे हर तरीके से, समझ नहीं आता ब्रो। ये ऑनेस्टली मुझे भी नहीं समझ, ये कराची वालों को, ये कराची वालों बताओ ना ये क्या सीन। अब मैं तो कराची से नहीं हूँ ना ब्रो, कराची से नहीं हो, लेकिन व्हाट्स इट कॉल्ड, दैट समथिंग जो मैं किसी कराची वाले से कभी पूछूंगा। सही। इसका एक होना चाहिए पॉडकास्ट ब्रो, मैं इसका पॉडकास्ट होना चाहिए। मैं देखो, आज दिन क्या हुआ, अभी बज रहे हैं 11:30, मैं सुबह के 4 बजे से जागा हुआ हूँ। सुबह के 8 बजे मैंने बोला ये वाली जो पॉडकास्ट अभी हो रही है, अल्लाह करे खैर से हो जाए ये वाली पॉडकास्ट, मैंने बोला सुबह के 8 बजे कर लेते हैं। उस्मान का मैसेज आता है, ऑन है। मैंने बोला यार ये हुई ना बात, ये होती है बात, आप लोग मतलब माशाल्लाह से यंग हो, आप लोग पहुँच सकते हैं, ये होती है बात। 2 घंटे बाद मैंने बोला ब्रो किधर है ब्रो, बोलते हैं काजी भाई क्या बात कर रहे हो रात के 8 बजे। यार क्या मसला है? तो इससे तो मैंने बात करनी, पॉडकास्ट की गुफ्तगू होगी। एनी हाउ ब्रो, व्हाट आर योर डिजाइंस फॉर द फ्यूचर? आई मीन ऑलरेडी आप सोचो, यू हैव रिकग्निशन फ्रॉम द स्टनर्स, फ्रॉम JJ47, एंड ऑल्सो यार देख, ऑब्जेक्टिवली गाने तो अच्छे हैं, राइट? और रिकग्निशन भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करेगा पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन आगे के गोल्स क्या हैं जो आप, मतलब जाहिर है अगर कोई टॉप सीक्रेट प्लान है तो नहीं ना बताओ जाहिर है, लेकिन कोई अगर जैसे नॉर्मल चीज़ शेयर कर सको, हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर? आप क्या देखते हो? जैसे मैंने ये इससे सुल्तान से पूछा था, वो बोलता है मैं देखता ही न्यू फ्यूचर, मुझे प्लान करना ही नहीं है, मुझे यहाँ रहना है। तो आपका कोई प्लान्स हैं, कोई डिज़ाइन हैं? नहीं, आप भी सुल्तान के साथ बैठे हो? हाँ। सुल्तान के साथ बैठे आप, गुड है ब्रो, आई गेस दैट्स गुड मैन। आई थिंक हम अभी बात कर रहे थे कमेंट्स की, और हेट कमेंट्स आते हैं, ये वो, आपको ये जो आपका स्टाइल है इस पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है। तो मेरे ख्याल में शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी होना लाजमी है कि बंदा आगे बढ़ता रहे। वैसे ठीक है, हाँ ये भी बात ठीक है। वैसे आप
इसके बारे में हम बाद में ना बात कर लें। हाँ बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। आपने जो है अभी मुझे को गाना सुनाया कैन वी डिस्कस दैट वी कैन सो वी कैन फकिंग टॉक अबाउट एनीथिंग दिस इज ग्रेट दिस इज ग्रेट। आप जो है ना मेरा इम्तिहान ले रहे हो बहुत अच्छी बात है मजा आ रहा है मुझे। मेरी एल्बम आई है आप उसके बारे में कुछ पूछे ना। हाँ ब्रो पाइनएप्पल वो उसको कितना टाइम हुआ। वो 20 दिसंबर को आई थी। इतना अरसा नहीं हुआ ब्रो। हाँ मतलब एंड द नंबर्स आर गुड माशाल्लाह से। व्हाई पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बस ऐसे बैठा था मैं, मुझे कोई एल्बम का नाम रखना था। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था क्या रखूँ क्या रखूँ क्या रखूँ। कोई एक ऐसा नाम नहीं था आ रहा मतलब कि जो मतलब एक लगता कि यार ये सही है। तो मैंने कहा यार पाइनएप्पल आई मीन ज़ेन में आ गया यार पाइनएप्पल। तो मैंने कहा बस ठीक है पाइनएप्पल नाम सही जा रहा है सुन तू। हाँ ठीक है पाइनएप्पल है। हाउ वाज सो उसका एक जनरल एल्बम का एक जनरल थीम होता है ना गाने का तो आराम से क्योंकि एक ही गाना है। एल्बम का जनरल थीम क्या था और कितने कितने गाने हैं एल्बम में। एल्बम में टोटल जो थे वो थे 11 गाने। उसका भी एक डिलक्स वर्जन आ रहा है शानदार। उसका आज पहला गाना आया। हाँ डिलक्स वर्जन स्पॉटिफाई पे तो इकट्ठा आएगा इंशाल्लाह लेकिन यूट्यूब पे भी एक एक करके डालूंगा मैं। ठीक है तो एल्बम का ये था कि यार कौन सी बात हो रही थी मुझे भूल गया सवाल। नहीं तो मैं पूछना ही चाह रहा था आपसे कि गाने का तो एक थीम हो सकती है ना। एल्बम की क्या थी। एल्बम का मेरे का ये थीम था कि मुझे न्यू स्कूल करना था फुल। ओके न्यू स्कूल। ओके पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है न्यू स्कूल मतलब मंबल रैप ये वो सब कुछ ऐसे मंबल टाइप मेलोडिक ये वो। कराची में तो आई थिंक जान ही कर रहा है उसके अलावा कोई नहीं है। तो मुझे न्यू स्कूल करना था। तो मैंने कहा क्यों ना कोई डिफरेंट चीज़ में। तो उस सारी एल्बम को अगर आप शुरू से एंड तक सुनते हैं और प्रॉपर न्यू स्कूल हर किस्म की मतलब उसमें आपको वाइब मिलेगी क्या चीज़ है शुरू से एंड तक सुनते हैं। ओके एंड हु ऑल डिड यू कोलैबोरेट विद इन द एल्बम। एल्बम में जो कोलैबोरेशंस हैं वो JJ47 ऑलराइट उसके बाद जो है अली इमाम। ओके अली इमाम अलगंदोर ये इजिप्शियन बॉय है लाहौर में है पिछले 8-9 साल से। ओके उसके बाद काशा। ओके उसके बाद जो है मानू ऑलराइट एलिस्टर और एल्बम उसके बाद हसाम अनवर है वो एक गाने में उसने प्रोड्यूस किया है। बेग है प्रोड्यूसर जिसने इस एल्बम के आधे से ज्यादा गाने उसने प्रोड्यूस किए हैं। ऑलराइट वो ये कहाँ होते हैं बेग कहाँ होते हैं। बेग लाहौर का। अच्छा लाहौर का। ओके गुड 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 गुड। व्हेन यू अप्रोच अब ये मैं सबसे पूछ चुका हूँ पर इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू मी ना कि क्योंकि आप लोग सब बोलते हो कि हम लिखते हैं गाना राइट सो हाउ डज अ सॉन्ग कम टू यू। अभी हमने बात की खुद ही की आपको आपने बोला 8 महीने लग गए लिखने में सिर्फ। हाउ डू यू अप्रोच जनरली आपका प्रोसेस क्या है गाना लिखने का। मैं कभी भी ना मतलब अगर बैठा हूँ ना कि मैंने कहा है कि मैंने आज गाना लिखना है तो कभी नहीं लिखा जाएगा। ओके ऑलराइट कई दफ़ा मतलब कई दफ़ा होता है कि मैं कोई बैठा हूँ तो कोई 2-4 लाइंस लिखी जाएंगी लेकिन नहीं लिखा जाता। ओके गाना यही है कि मतलब ऐसे बैठे हैं एकदम से कोई लाइन आएगी वो लिखेंगे उसके आगे सारा गाना लिखा जाएगा। ऑलराइट ऑलराइट लेकिन पहले बीट होती है क्या होता है। मैंने मेरे 60% गाने जो है मैंने बीट के बगैर लिखे हैं। ऐसा कैसे ब्रो पहले आप लिख लेते हो फिर उसको बीट पे बैठा देते हो ऐसे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपने किसी भी एक गाने को 100-150 जितनी आप बीट देंगे मुझे मैं उन सब बीटों के ऊपर वो गाना कर दूंगा। अच्छा हाँ दैट्स इन बट दैट्स सुपर इंटरेस्टिंग ना बिकॉज एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज क्योंकि इतने बैठे हुए होते हैं बीट पे फ्लो पे रिदम डिलीवरी ऑल दोस थिंग्स कि किस तरीके से बैठाते हो आप। यू कैंट एक्सप्लेन इट टू मी ये सिर्फ आपको आता है करना ऐसा है। हाँ ओके ओके बस अगर बीट आपको मिल गई तो आपने बैठा देना है। डू यू आप क्या एक बीट में क्या देखते हो कि यार ये बीट अच्छी है। बीट में क्या देखना है मतलब एक चीज़ होती है कि आप लगाते हो आपको उससे वाइब आती है अच्छी वो अच्छी बीट है जिसे वाइब नहीं अच्छी आ रही आपके मतलब इसके मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि आपका ना उस टाइम पे माइंड कहाँ पे है किस टाइप की वाइब में है किस तरह की वाइब में है तो उस हिसाब से आप बीट देखते हो। जैसे कि कई गाने हैं जो सिर्फ दिन में अच्छे लगते हैं कई गाने हैं जो सिर्फ रात में अच्छे लगते हैं कई गाने हैं जो सिर्फ सर्दियों में अच्छे लगते हैं कई गाने हैं जो सिर्फ गर्मियों में अच्छे लगते हैं। ओके तो वो उसी टाइम मतलब अगर मैं दिन में हूँ मेरी वाइब बिल्कुल और होगी मुझे एक बीट पे बहुत वाइब आ रही है क्या पता मैं उस बीट को रात को सुन रहा हूँ मुझे वाइब नहीं आ रही तो ये थोड़ा सा होता है इस तरह का सीन है। बीट में इस तरह मतलब जो उस टाइम पे वाइब बनी होती है उस हिसाब से जो बीट आएगी वो अच्छी लगेगी। एंड सो आर यू ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग
relevant music videos. या आप बोलते हो सिर्फ गाना बनाओ फेंको, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल म्यूजिक वीडियो पे बहुत काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, साफ सुथरा काम है. तो आपका क्या है? मेरा भी नहीं, म्यूजिक वीडियो करना चाहिए. मेरे नज़दीक अभी ऑडियो गाना फेंकना जो है ना, वो मतलब उस गाने को जाया करने वाला सीन है. जाया करने वाला सीन है, मतलब लोग नहीं सुनते पता नहीं क्यों. ये अभी कल की बात है कि उस्मान मुझे कह रहा था कि भाई आपने लोग किया आपका म्यूजिक वीडियो, आपने उसके ऊपर जो आर्ट वो क्या कहते हैं उसको थंबनेल लगाया हुआ है उसको खत्म करो, वो वीडियो का शॉर्ट लगा दो उस पे. ओके. क्योंकि वो एक सिर्फ वो लगा हुआ था जो आर्ट वर्क था. तो मैंने कहा क्यों? कहता है लोग नहीं सुनते, लोग ऑडियो समझते हैं उस चीज को, ऑडियो है तो वीडियो हो तो लोग जरा सुन लेते हैं, मतलब इस तरह का होता सीन. लेकिन मैं भी आगे अब ये है कि वीडियोस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ऑडियो पे तो है ही है, लेकिन अब वीडियो पे भी आगे जो है फोकस करना है यार प्रॉपर. क्योंकि यार देखो ना, ये आप सवाल पूछने का ये मकसद था कि आजकल फॉलोइंग हर चीज़ होती है, पैसे के हवाले से, क्लाउड के हवाले से. तो आई मीन डू यू वांट, आई मीन आर यू वर्किंग टूवर्ड्स अ ग्रेटर फॉलोइंग? आपको भी ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने हैं क्या? कैसा है? सारों को बढ़ाने हैं, किसको नहीं बढ़ाने हैं ब्रो? नहीं पता नहीं, अभी आप कोक स्टूडियो पर तो नहीं जाना चाह रहे हो फिर जो है. पता नहीं ब्रो आप किस मूड में बैठे हुए हो. नहीं 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 मजाक कर रहा हूँ, I'm kidding. But the problem is this. बात पता क्या? हाँ हाँ. कोक स्टूडियो में जाना ना जाना वो डिफरेंट चीज है. बात ये है, मैं सिर्फ आपके सामने जो मैं बात कर रहा था वो मेरा ये मेन पॉइंट था कि कोक स्टूडियो जो है वो पाकिस्तान का कौन सा साउंड था. अगर मेरे माइंड में मतलब एक कोक स्टूडियो का लफ्ज आता है तो वो क्या है? कल्चरल साउंड है. कल्चरल साउंड मुझे वो साउंड नहीं मिल रहा. साउंड नहीं मिल रहा है. हाँ, बिकॉज़ नाउ रोहेल हयात बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका जी. हाँ, तो ये है कि जो वो दे रहे थे वो वाला साउंड नहीं मिल रहा. अभी वो भी ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, उनकी देख रहा हूँ मैं, मतलब वो कह रहे हैं कि अच्छा साउंड है. लेकिन वो भी लगे मुझे, हाँ, लेकिन मुझे फिर भी जो है ना मतलब वो वाइब नहीं मिल रही यार जो मैं चाहता हूँ. मैम वैसे उनको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये क्या चाहता है. एक गुफ्तगु है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स ऑल ओपिनियंस राइट. एंड वही वाली बात है ना कि ये तो कोई नहीं बोल रहा है कि गाने अच्छे नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट नॉट द कॉन्टेंट दैट यू वॉन्ट टू वॉच राइट. जैसे एक मूवी अगर आपको नहीं देखनी है तो आपको नहीं देखनी, उसका मतलब ये थोड़ी कि मूवी ख़राब है. लेकिन सिमिलरली आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग कि व्हाट दे आर डूइंग इज बेसिकली, अब जैसे दीज आर शॉर्ट शॉर्ट्स राइट. अब यंगस्टर्स जो हैं वो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है राइट. एंड द सेम थिंग कैन बी सेड नाउ फॉर फारिस. अभी क्रिकेट खिलाई है वगैरह सब कुछ किया. हसन रहीम सेम थिंग, ऑल ऑफ दीज गाइज राइट, ब्रिलियंट. आबदा परवीन डूड, कम ऑन नाउ. आतिफ असलम, तो वही जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इनको आप ऐसे ना फिर बिहेव करो ना कि हमने इनको सेलेक्ट किया. ब्रो मतलब क्या क्या और किसको सेलेक्ट करते हैं आप? यू नो व्हाट आई मीन? इट्स आई थिंक ये जनरली ना हमारे एक मुआशरे का मसला है कि हम जाहिर है दिस इज जस्ट समथिंग वी हैव टू से लाइक दिस कि यार हमने कराकरम को सेलेक्ट किया. ब्रो कराकरम के कभी गाने सुने? कैसे नहीं सेलेक्ट करोगे आप? यू नो व्हाट आई मीन? सच अ राग एंड ऑल दोस थिंग्स राइट. तो आई थिंक ये थोड़ा सा आप जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो ना, आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा डिसइंजेन्यूस लगता है कि ब्रो सच्ची बात करो ना. मतलब आपके सामने अभी कितने गाने आ गए हैं कोक स्टूडियो के? 6-7. कोई एक बता दे जो बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट हो, एक प्रॉपर पाकिस्तानी. मतलब एवा बी वाला, काना यारी, काना यारी. हाँ, वो एक गाना था. वो गाना था. हाँ, नहीं तो नहीं तो ऑल ऑफ देम आर माशाल्लाह से सॉलिड. बट ब्रदर्स वाला, ऑल ऑफ देम सॉलिड बिग पीपल राइट. बट है क्या, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट अब, क्योंकि अब जब मैंने तला अंजुम का सुना ना, अब मैं एक्साइटेड हूँ तला यूनुस वाले के लिए. हम लाइक यार इट्स ऑसम, इट रियली इज. एंड मैंने ना दो तीन लोगों को ये बोला है और मैं आपको भी ये बोल रहा था पॉडकास्ट से पहले कि देखो मसला ये है, दीज आर रैपर्स, दीज आर नॉट जस्ट आर्टिस्ट्स राइट. रैपर्स जो होते हैं उनका सिर्फ इतना काम नहीं होता है कि वो खुशी दें लोगों को या यू नो उनका, बिकॉज रैप कम्स फ्रॉम अ वेरी डार्क प्लेस, एक दुख और अजियत की जगह से आता है रैप. तो कभी कभी रैपर का काम रुलाना भी होता है, यू नो. तो सम ऑफ द थिंग्स दैट दे टॉक अबाउट, लाइक इस वाले में भी तला अंजुम की जो वर्सेस थी, देर नॉट, मतलब
لائٹ ہارٹڈ نہیں ہے کہ او سب انجوائے کرتے ہیں کوک اسٹوڈیو بجا رہا ہوں میں, نہیں, دے ہیوی شیٹ, رائٹ, مطلب شہر جل چکے, وہاں سے درد اٹھے, یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں, رائٹ, سولفل باتیں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان اندر جانرا, کیونکہ لیکن اس گانے میں پتہ کیا تھا, اس گانے کا مجھے یہ تھا کہ طلا بھائی آتے ہیں فل سولفل باتیں کر رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے, فارس بھائی آتے ہیں آتے ہی جو ہے فلیکس کر رہے ہیں, مطلب یار ایک بالکل ڈفرینٹ چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے, ایک بالکل ڈفرینٹ, سمپل لفظوں میں کھچڑی, ہاں مطلب ایک چیز پہ بات ہو رہی ہوتی, مزہ آتا, پراپر مزہ آتا, ابھی بھی مطلب لیریکلی بہت اسٹرانگ گانا, لیکن ایک چیز پہ دونوں بات کر رہے ہوتے زیادہ مزہ آتا. آئی تھنک شیور, آئی تھنک یار دیکھو جہاں تک بات رہی نا ریکگنیشن کی, ٹھیک ہے میں نے یہ بات بولی کہ یہ آرٹسٹ اب خود بھی ماشاء اللہ اتنے بڑے, اور میں یہ مانتا ہوں, پہلے جو ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے بولا یار یس یگسٹرز آ گئے, فارس شفیع آ گیا, حسن رحیم آ گیا, یہ لوگ کرا کرم آ گیا, پھر مجھے تھوڑا غصہ آنے لگا, میں برو یہ لوگ 10 سال سے بجا رہے ہیں, اتنا ٹائم کیوں لگا ان کو آنے میں, یو نو واٹ آئی مین, پھر میں تھوڑا اچانک پتہ نہیں میں بھی کہاں گھوم رہا ہوں, پھر اچانک سے میرا موڈ خراب ہو گیا, میں ان کو تھوڑا پہلے آ جانا چاہیے تھا اس چیز پہ. سو ہاں, ویئر آئی ایم ویری ہیپی فار دا ریکگنیشن دیٹ دے ہیو گاٹن, آئی گیس آئی ڈو انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ کہ مے بی اٹس دا مکس اینڈ میچ از, آئی ڈونٹ نو, پرسنلی یار مجھے تو گانا اچھا لگا, گانا تو اچھا ہے, ہاں گانا تو اچھا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو مین, آئی ڈونٹ نو, دیکھ بھائی آخر میں نا مارکیٹنگ کیمپین ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کوک اسٹوڈیو, عجیب فارسی تو ہے نہیں یہ, مطلب لوگ پتہ نہیں کیوں, پر اس بات پہ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, یہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کوئی بھی برانڈ کے پاس جاؤ نا, میرے پاس ویسے برانڈ نہیں آتے تو میں یہ بات کر سکتا ہوں, آپ کسی بھی برانڈ کے پاس, میرے پاس بھی نہیں آتے, گڈ سین برو, اللہ رحم کرے گا, اللہ رحم کرے گا ان شاء اللہ, تو جو آپ کے برانڈس ہوتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں کیوں اس چیز سے مطلب کوفت ہوتی ہے, یہ چیز بری لگتی ہے کہ میں بولوں کہ یار میرا کانٹینٹ اسپانسرڈ ہے, یہ ایک اسپانسرڈ کام ہو رہا ہے, یہ پوڈ کاسٹ اسپانسرڈ ہے, یہ ان کو بولتے ہیں نہ بولو, سیملس انٹیگریشن کر دو, مطلب رینڈملی میں کبھی ٹوپی نہیں پہنتا ہوں, ایک دم میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, باتیں نارمل ہو رہی ہے, ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے بھائی, کیوں, بٹ دا تھنگ از میں مذاق اڑا رہا ہوں, لیکن مجھے سیریسلی نہیں سمجھ آتا کہ ایک چیز کو اسپانسر کرنا ایک اتنی بری بات کیوں سمجھی جاتی ہے, ان کو کیا لگتا ہے, وہی والی بات ہے نا کہ یہ, کیونکہ باہر تو ایسا ہوتا ہے, باہر تو پوڈ کاسٹ اسپیشلی جب اسپانسر ہوتی ہے نا, کھلم کھلا بیفور دا پوڈ کاسٹ اسٹارٹس وہ بولتے ہیں بھائی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے ان چند برانڈز نے اسپانسر کی ہوئی ہے, گڈ سین ہے, اب آگے چلتے ہیں, کیونکہ ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر پیسہ نہیں کمائیں گے تو آرٹسٹ کیسے کام کریں گے, یا پوڈ کاسٹر کیسے کام کرے گا, یا کوئی بھی ولاگر کیسے کام کرے گا, یہاں پہ فار سم ریزن معاشرے میں بھی اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے, تو پیسہ کمانا چاہتا ہے, تو ہر کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہے, کون نہیں چاہتا, کون پیسہ کمانا نہیں چاہتا ہے, سو ایک برانڈز کی طرف سے بھی یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی وہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ نہیں بولو کہ آپ جو ہے اسپانسرڈ ہو, تو برو پھر مطلب پھر بندہ کیا بولے, ہاں پھر میں کیا بولوں, میں بس وہ ٹوپی پہن کے بیٹھا رہا, وہ ٹوپی پہن کے بیٹھے رہو, آئی ڈونٹ نو ڈوڈ, آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ ہم اس چیز کو گالی کیوں سمجھتے ہیں کہ پیپسی بیٹل آف دا برانڈز ہے, ظاہر ہے پیپسی کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے نا, بسکونی نے ایک شروع کر دیا, تو بسکونی کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, اس میں فارسی کدھر ہے, اور ایسا آپ کو کیوں ایسا محسوس کرایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ پہ احسان کر رہے ہیں, آپ جو ہے میوزک شو میوزک ٹیلنٹ کے بغیر کرو گے, عجیب بات ہے نا برو, پتہ نہیں یار, دیکھ میں تو میوزیشین بھی ہوں, میں تو کیا جا رہا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو مین, آئی تھنک اٹس جسٹ اٹس سو انٹرسٹنگ دیٹ یہ نیریٹو چلتا ہے کہ برو میں نے جو ہے نا آپ کے اوپر, مطلب یہ آپ کے فائدے کی بات ہے برو, یہ ہمارے فائدے کی بات ہے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم دونوں کا اگر فائدہ ہو رہا ہے نا, لیکن یہ مانو تو صحیح کہ دونوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اوپر سے کیوں آ رہے ہو, وہ کہیں گے نہیں جی, ہاں وہ بولے نہیں جی, ہم تو کسی کو بھی اٹھا لیتے, کسی کو نہیں اٹھا رہے, ہاں ہم جو ہے کسی کو بھی لے لیتے, ہم نے بولا یگسٹرز کو چانس دیں, برو پھر یگسٹرز نے بھی بولا آپ کو چانس دیں, اب میں اب کیا اور بولوں یار, عجیب سی بات ہے, تو یو نو واٹ آئی مین, اینڈ دیکھو I know neither one of those parties can say anything. I understand cooperations and all those things, right? Mujhe samajh aati hai baat ki na wo bolenge aur na cooperate wahan se koi nahi bolega, beech mein ye bola jayega ki yaar Kazi khamkhai baat kar raha hai, but wazeh baat to yahi hai na bro, wazeh baat to ye hai ki is kisam ki language istemal karna mere khayal mein gair munasib hai, kyunki ek itni shandar cheez aapne banayi, gaane shandar hain,
म्यूज़िक अच्छी है, वाइब चल रही है, मज़ा आ रहा है, मतलब यू नो एंड यू हैव ऑल दीज ब्रिलियंट आर्टिस्ट्स, व्हाई डू यू हैव टू से दीज थिंग्स? आपको ये बात बोलने की क्या ज़रूरत है कि हमने देखो सेलेक्ट किया, चलो ठीक है सेलेक्ट किया, वो भी जो है सही है, सही है, मैं क्या बोलूँ, ब्रांड्स ब्रांड्स के रोल है। डू यू हैव एनी स्पॉन्सरशिप्स? यार नहीं अभी तक तो कोई नहीं। हाँ इसके बाद लग रहा है कुछ आएगा इसके अच्छा नहीं, but on a serious note, on a serious note, on a serious note though, right? Because we're just having too much fun right now. Do you work on your appearance, like your packaging and stuff? या आप बस बोलते हो भाई मैंने गाना बनाना है, बाकी सब चीज को मिस करा दो? अभी तक तो यही है कि मुझे गाना बनाना है, अपने अपना काम करना है बस, अभी तक तो यही है। लेकिन ब्रो जैसे वीडियो बना रहे हो आप, इसी तरीके से अपनी ड्रेसिंग में इन सब चीजों पे भी थोड़ा फोकस करना तो लाजमी है ना? नहीं हाँ वैसे ये भी है, करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन नहीं करोगे? मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ काम की तरफ है, काम पहले अच्छा होना चाहिए, काम उस तरह, और काम अच्छा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि व्हाट लेवल डू यू वांट टू रीच जिसके बाद आप बोलोगे अब काम अच्छा हो गया? इज देयर अ लेवल, इज देयर लाइक कितने आप 5 एल्बम बना लोगे, एक में 5 एल्बम बना लोगे, कितने गाने बना लोगे, उसके बाद आप बोलोगे यार अब अच्छा काम हो गया? काम अभी भी अच्छा हो गया। हाँ मेरे पहला एल्बम बनाया, मुझे पता लग गया हाँ भाई मुझे एक नया साउंड मिल गया, मेरा काम अच्छा है, मतलब ठीक है। अब नेक्स्ट एल्बम पे अभी काम शुरू कर रहा हूँ, अभी शुरू कर रहा हूँ। ओके 23 में आएगी आई थिंक, इंशाल्लाह। अच्छा एक पूरा साल लगेगा? हाँ। Do you have any insights? नहीं वो नहीं शेयर करनी अभी, नहीं फुल टॉप सीक्रेट है। That's exciting man, that really is exciting. यार देखो I think there is something to be said about underground artists. I really think के you know where obviously there is such brilliant work being done by आपदा परवीन जैसे लोग, कि वो अब उस लेवल पे आ गए माशाल्लाह से, या इवन रैप में जो भी लोग हैं जो ऊपर आ गए, आई थिंक देयर इज ऑल्सो समथिंग टू बी सेड अबाउट अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, कि वो जो उसमें एक और मजा है जब वो जो है अचानक से कहीं चीज आती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आज से पहले आपकी म्यूजिक ही नहीं सुनी है ब्रो, और अचानक से मैंने सुनी, मैंने यार ये तो वही वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ कि काम तो तकरीबन इंटरनेशनल लेवल का है, तकरीबन थोड़ी और इसमें मिक्स एंड मास्टरिंग करेंगे जो भी होगा ऐसे ही है, लेवल पे आ जाएगा काम। मैंने आपको वही बात बताई ना कि बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट जिनसे मैं मिला, सिर्फ लोग उनके गाने क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि उनका किसी अच्छे आर्टिस्ट मतलब बड़े आर्टिस्ट के साथ, बड़ा आर्टिस्ट नहीं नंबर्स में जो बड़ा है उसके साथ कोई गाना नहीं है, सिर्फ इसी वजह से आपने मुझे नहीं था सुना हुआ, आपने जब सुना तो आपने कहा ये चीज तो अच्छी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो ये चीज़ है, सिर्फ इसमें जो है ये चीज़ मुझे यूनिक लगती है कि जो रैप फ्रेटर्निटी है ना उसमें 2-3 नाम जो हैं वो हर किसी के साथ वो कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हैं। यंग स्टैंडर्स हो गए, JJ47 हो गए, ये 2-3 लोग हैं जो मैंने देखा है आर्टिस्ट, मतलब कोई छोटा आर्टिस्ट हो एयर कोर्ट्स बड़ा आर्टिस्ट हो हर किसी साथ करने के लिए तैयार है। डू यू थिंक वी नीड मोर ऑफ दैट एक तरीके से? हाँ बाकी क्योंकि ये देखो अब बाकी इंडस्ट्रीज में ये नहीं नज़र आता, जो सीधी बात ऐसे ही है राइट, कुछ इंडस्ट्रीज में आता है, थोड़ा सा यूट्यूब में है, यूट्यूब में भी कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, और रैप में है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये नहीं होता है, कल का बच्चा वाला जो सीन होता है, ये कल का बच्चा है इसको क्या पता है ये वो। वेयर डू यू थिंक दिस कम्स फ्रॉम फॉर द यंग स्टैंडर्स फॉर इंस्टेंस या फॉर JJ47? उनको जरूरत तो नहीं है कि आपके साथ करें, क्यों करते हैं आपके ख्याल में? सीन को पुश करने के लिए आई थिंक, सीन को उनको मेरे साथ तो आई थिंक उन्होंने सिर्फ इस वजह से किया था कि एक तो पीछे से मेहनत बहुत की, उसके बाद उनको उनके सामने ये भी था कि वहाँ पे अभी तक कोई नहीं है, तो इस साइड से भी किसी को मतलब रैपर कोई होना चाहिए, मतलब क्योंकि वो तो प्रॉपर सीन को पुश कर रहे हैं फुल, तो इस वजह से आई थिंक उन्होंने मेरे साथ किया था कि इस साइड से भी कोई एक बंदा हो, क्योंकि उस साइड से कोई भी नहीं था। उस साइड पंजाब की बात कर रहे हो? नहीं पंजाब गुजरांवाला सियालकोट इन साइड से वजीराबाद संबड़ियाल ये सारे मतलब उसी साइड पे आते हैं ना सारे इलाके। ब्रो आप ज़ुबानें कितनी बोलते हो? ज़ुबानें मैं पंजाबी उर्दू इंग्लिश थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। ठीक है हाँ वैसे। और आप गाने सुनते कितनी जबानों में हो? गाने यार मैंने हर जुबान में सुन लेता हूँ यार, जो अच्छी अच्छा वाइब दे रहा है। हाँ। मतलब पीछे एक फ्रेंच था वो भी सुन रहा था मैं। हाँ ठीक है। गाने तो मतलब किसी भी जुबान में हो, मेलोडी अच्छी हो गाना अच्छा हो वो तो मैं सुन लेता हूँ। लेकिन ऐसा आपको नहीं फील होता कि कुछ जुबानें होती हैं जिनमें कुछ किस्म के जॉनर, रैप हो गया सोल हो गया,
थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, रैप किस किस जबान में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता? इंग्लिश में। इंग्लिश में ब्रो, कभी ईरानी सुने? ईरानी रैप? मैं अरबी रैप सुनना शुरू किया पीछे। और कैसा, क्या तासुर आते? वो अभी जिस बॉय की मैं बात बता रहा था, अल इमाम, हाँ, वो इजिप्शियन है। हाँ। अब उसने मुझे सुनाया, फर्स्ट टाइम कोई अरबी रैप सुनाया, और तो मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है। कहते हैं और सुन, उसने अरबी रैप मतलब ये है कि समझ कुछ नहीं आती, नहीं, लेकिन उनकी जो वोकल टोन्स हैं, उनके जो मतलब मेलोडीज हैं, वो जिस तरह बीट पे आ रहे हैं, मतलब वो फुल खतरनाक चीज, इस तरह की वाइब है उन बॉयज की। इजिप्शियन मतलब कायरो का बॉय था एक, अबोल अनवार, उसको सुना। उसके बाद तीन चार और बॉयज जिनको सुनना शुरू किया, मरवान पाब्लो, ये वो लोग, अरबी अरबी, इसका ही बड़ा मतलब उनकी जो वाइब है एक डिफरेंट वाइब है। उनके म्यूजिक के अंदर एक ये है कि वो अरबियों के जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, सही, वो वाले उनके एक हिप हॉप गाने के अंदर वो वाले इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो एक बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है, मुझे सुनने में मज़ा आता है। ब्रो ये आपने अभी यहाँ पे भी बात की ना, ये दुनिया में भी ये था कि मेटल फुल कराकरम वाला विद वायलेंस, डू यू हैव एनी डिज़ाइंस? आप जैसे अब आप रैपर्स के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोलैबोरेशन कर ली, डू यू हैव एनी डिज़ाइंस ऑफ यू नो मे बी कोलैबोरेटिंग विद हिप हॉप म्यूजिशियंस और पॉप म्यूजिशियंस और एक सोल? एक मेरा गाना है, उस गाने का नाम है फलसफी। फलसफी आप सुने वो गाना? वो जैज रैप उस टाइप का म्यूजिक है। ओके। और उसके ऊपर रैप कर रहा हूँ मैं। Spotify pe hai? Spotify pe hai. Falsafi. We'll take a break, listen to it, and then we'll come back. So we heard, we came back from the break, we heard Falsafi. Falsafi kisne banaya aapke saath? Lala Ahsan. Haan. Badnaam band. Runner up the Pepsi Battle of the Bands ke. Kashmir wale time pe. Haan. Haan. Cool. To Lala ke saath jo hai meri first time mulaqat hui thi, ek show tha Bahawalpur. Okay. Main wahan pe perform kar raha tha, Lala bhi wahan perform kar rahe the. To wahan se mile, wahan pe inka contact liya maine. उसके बाद इन्होंने मुझे बुलाया कि यार ऐसे ऐसे कुछ बनाते हैं, तो ये चीज़ थी जो फर्स्ट टाइम लाला ने मुझे भेजी है चीज़ बना के, कहते इसके ऊपर कुछ करते हैं। ये थोड़ा जैज वाला साउंड है। हाँ, थोड़ा ब्लूज वाला। हाँ। लाला ने भेजी, तो मैं गाड़ी चला रहा था, जैसे बीट आई है, ये मेरे पास लिखा पड़ा था पहले से, और ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट चीज़ में लिखा हुआ था, मतलब मैंने डार्क लिखा हुआ था, वो है इस तरह का। जब ये बीट आई है, मैंने गाड़ी में लगाया, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं फुल इस तरह, जिस तरह इस पे नहीं गा रहा है वो एक करेक्टर के अंदर आके, मैं फुल उस तरह गाने लग जाता हूँ। किस तरह? ये आवाज़ आ रही मेरे सर पे सब, वो जिस तरह उसमें गा रहा हूँ, अब तो नहीं गाया जाएगा, मतलब उस तरह नहीं गाया जाएगा जिस तरह मैं उधर गा रहा था, मैं फुल एक करेक्टर। मैं उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करके लाला को भेजा। लाला कहता है भाई ये अभी आ जाओ तुम, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगले दिन मैं जाता हूँ, जाके हम वो रात को जो है रिकॉर्डिंग करते हैं उस गाने की, और उस टाइम पे मेरी और लाला की बात हो रही थी। लाला कहता है कि लोगों को अभी समझ नहीं आएगा ये गाना। अच्छा, इंटरेस्टिंग। कहता है आज से 10 साल बाद लोगों को समझ में आएगा। ब्रो एक ये मसला तो है ना, हमारी जो ऑडियंस है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसका अभी एक्सपोजर कम है। प्यार ज्यादा है, राइट, सपोर्ट फुल है, जो चीज़ उनको समझ आ जाए, जो बंदा उनको समझ आ जाए उनको उठा देते हैं। हाँ। माशाल्लाह से, राइट, लेकिन एक्सपोजर और नॉलेज थोड़ी कम है। तो जब तक आपका काम या इसका जानी का काम समझ आए उनको, जो बाकी दुनिया में तो चल रहा है, बाकी दुनिया में ये चीजें हो रही है, मेलोडिक रैप हो रहा है, मम्बल रैप हो रहा है, एवरी अदर काइंड ऑफ थिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑफ एंड ऑन। जैज पे रैपर्स जो है कोलैबोरेट करते हैं जैज म्यूजिशियंस के साथ, हर चीज़ हो रही है। आप सोचो लिंकिन पार्क की आपने बात की, लिंकिन पार्क और जेजी का कोलैबोरेशन कितना पुराना है, ऑनकोर, मतलब आप क्या, मैं बहुत छोटा था, राइट, तब से तो इतना तो गैप है हमारी म्यूजिक, जनरल म्यूजिक इंडस्ट्री में और दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री में। बट आई सपोज लाला की बात यहाँ पे सही है कि व्हेन दिस ऑडियंस फिगर्स आउट व्हाट यू आर डूइंग, तो फिर इंशाल्लाह सपोर्ट आनी है अल्लाह के हुक्म से। इसी उसके, उसके बाद अभी एक लाला के साथ और गाना कर रहा हूँ, वो उसका ये सीन है, उसके बारे में बता दूंगा यहाँ पे। बता सकते हो? हाँ, उसका ये सीन है कि जब ताल कायदा ये क्लासिकल के अंदर होता है, जो लाला ने मुझे बताया था कि जब तक वो होता है कि ये इसके पैटर्न जो होता है ना, 4 का चल रहा होता है, 1 2 3 4, वो 4 नहीं है, उसमें 5 है। वाओ, उसके ऊपर रैप नहीं होता। उसने मुझे बताया, उसने कहा कि लाला ने कहा कि भाई इस पे कभी रैप नहीं हुआ, हम इस पे रैप कर रहे हैं।
मैंने कहा ठीक है। अब वो ये था कि हम ड्रम पे जैम कर रहे हैं और लाला वो बजा रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा उस पर, वो है इतना मतलब वो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, इस पर रैप नहीं होगा। अब मैं वहाँ पे कोक स्टूडियो में जब तक कायदा के ऊपर एक गाना बना था कंगना, फरी रियाज का दे रे कंगना, हाँ वो वो बना था। अब वो ये है कि उसके ऊपर भी वो कोक स्टूडियो, वो उसका भी उन्होंने एक स्पेशल एपिसोड बनाया हुआ था कि उस वो BTS का, हाँ, ये कोक स्टूडियो के लिए बड़ा एक प्रोजेक्ट था कि सारे जो थे। तो अब ये है कि मेरे और लाला के लिए बहुत है कि हम जपताल के ऊपर रैप कर रहे हैं, जपताल के ऊपर, जपताल प्रोड्यूस, वो लाला प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, मैं उस पर रैप कर रहा हूँ। गाने का नाम क्या, ये नहीं बता सकते? पाँच बजे, एक दो तीन चार पाँच, वैसे भी घड़ी पे भी पाँच बजे, उसका मतलब इस तरह का कोई जपताल कायदा। जपताल, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग डूड। ये जाहिर है, अब यही मैं आपसे बातें पूछा था ना, ये चीज़ें मुझे तो नहीं पता है, पर आई सपोज इफ एनीवन कैन डू इट, इट्स समवन लाइक यू जो तकरीबन कहीं किसी भी बीट पे अपना लिरिक्स बिठा सकता है। लेकिन इस पे जपताल कायदा के ऊपर ये है कि आप, मैंने जो लिरिक्स लिखे हैं वो नहीं आएंगे, मुझे इस बीट के हिसाब से लिखने पड़ेंगे, एकदम से कट हो रहा है। Right. और मैं, गाना बन गया हुआ है हमारा, वो मैंने वो उधर स्टूडियो में बैठ के जिस तरह लिखा, बहुत मुश्किल से लिखा था ये गाना। लेकिन अब का, when can we expect it? हाँ? कब expect कर सकते हैं? या वो भी आएगा, टाइम लगेगा, उस पे वीडियो शूडियो बनाऊंगा उसकी प्रॉपर, इंशाल्लाह तीन चार महीने बाद। चलो ठीक है, इंतजार रहेगा खैर से। व्हाट्स इट कॉल्ड, व्हेन यू अगेन वी स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि रैप जो है वो एक मुश्किल जगह से आता है, ठीक है ना, हर वक्त खुशी की जगह से नहीं आता है। व्हेन यू रैप, राइट, देयर्स ऑल दीज कैरेक्टर्स, यू डूइंग ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, हाँ, वेयर डज दैट स्टफ कम फ्रॉम जनरली? जैसे एक बेसिक इमोशन होती है, आपकी बेसिक इमोशन क्या है? गुस्सा, दुख? नहीं, दुख, 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 क्यों, अल्लाह खैर करे। मैं नज़दीक आर्टिस्ट के अंदर अगर दुख नहीं है तो वो मतलब उस तरह की चीज़ नहीं बना सकता कि जो एक, क्योंकि हमारे, मेरा एक ये खुद ही गाना जो है इसका मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहते यार ऐसा, मैं तेरे गाने सुनता हूँ, मैंने कहा अच्छा, कहते एक चीज़ मैंने ना देखी है कि पाकिस्तानी आवाम जो है ना, मतलब पाकिस्तानी नहीं बाकी भी, कहता लोग पता नहीं क्यों इतने दुख में है, मैंने कहा क्यों, कहता जो तेरा कोई इस टाइप का गाना ना वो चल जाता है प्रॉपर, और जो इस टाइप का नहीं होता वो नहीं चलता। तो कहते मेरे नज़दीक जो है ना, लोग हमारे यहाँ पे फेक दुख लेके बैठे हैं दिल में, फेक दुख लेके बैठे। इंटरेस्टिंग। मैंने उस दिन कहा कि भाई अब जो है ना अपने अंदर एक दुख रखना है, क्योंकि लोग तो फेक दुख लेके बैठे हैं, ठीक है, तो बस उसी तरह उस टाइप पे गाने बनाओ, इनके फेक दुख जो है उनके साथ रिलेट करेंगे, हाँ, वो गाने सुनेंगे। इंटरेस्टिंग यार, फेक दुख हो ना हो, आई सपोज यहाँ ये तो बोला जा सकता है कि हमारे माशरे में जो है ना बाज़ोकात अपने जो एहसासात होते हैं उनको बयां करना गैर मुनासिब समझा जाता है, राइट? मुझे अगर कोई चीज़ महसूस हो रही है, मुझे कुछ बुरा लग रहा है, मेरे से किसी ने बदतमीजी की, मुझे पता नहीं शायद डर लगा, तो ये चीज़ मर्द क्या औरत किसी को भी ये हक नहीं है कि ये बोल सकें कि यार मुझे बुरा लगा, यू नो, मुझे किसी, आपने बात बोली मुझे तकलीफ़ हुई। तो मैं समझता हूँ फेक दुख होना हो, लेकिन आप जब दुख की बात करते हो तो ये तो ज़रूर रेजोनेट किया जाता है कि यार हाँ, ये इस किस्म की 19-20 तो मुझे भी फीलिंग आई हुई है, शायद मतलब शायद इस तरीके से नहीं हो, आपने शायद उस चीज़ को एक थोड़ा क्रिस्टलाइज कर दिया, आपने उसको रंग दे दिया, लेकिन हाँ किसी हद तक तो ये आपके दोस्त की बात है, आपका दोस्त भी फलसफी है। हाँ, उसके अब्बा जी जो है माशाल्लाह उनकी 4-5 किताबें हैं, शाया हुई हैं उनके, माशाल्लाह से शायर हैं। किस जबान में? उर्दू में। अब्बा का शाउट आउट दे सकते हैं अब्बा को, नाम क्या उनका, याद नहीं आपको? नाम नहीं याद मुझे इस टाइम, लड़के का नाम याद है, असमार, असमार मलिक, असमार मलिक, इंस्टाग्राम पे असमार मलिक है, असमार मलिक को फॉलो करें, जाके फिर उनके बाबा के बारे में पूछे उनसे। अब यहाँ तक कौन सुनता है, 1 घंटा यहाँ पे भी किसने सुन लिया ना, मैं मान जाऊँगा, मैं ही मान जाऊँगा, क्या बात है। एनीहाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? सो उसके बाद से जब असमार ने बताया, तो उसके बाद से आप जो है यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन सैडनेस, मतलब एक अगर ना हो तो थोड़ा आप क्रिएट करके उससे दुख, आप यहाँ पे किस चीज़ को बोल रहे हो, गम या गम, किसी गम, भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को बोल रहे हो? लेकिन अब मैं जो आगे गाने करूँगा वो पता है क्या होंगे, मैं अभी तक ये कर रहा हूँ कि लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, किस वाइब में है, ये वो, ऐसे जैसे आगे आपको एक गाना सुनाया था मैंने,
मतलब वो यही था कि मैं देख रहा हूँ सबको कि लोग की आजकल क्या चल रहा है, किस किस्म में है, इधर उधर घूम रहा हूँ, फिर जो मुझे नज़र आता है मैं उस चीज़ के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, कि ये चीज़ करूँगा लोग रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कर रहा हूँ सिर्फ। When so much mainstream work is happening, I think ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप जैसे लोग भी अभी तक फुल अंडरग्राउंड फुल अपने रास्ते चल रहे हैं और उनको मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट से सपोर्ट भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल म्यूज़िक राइट। और अगर उनका काम ज़रूरी है तो आपका काम भी ज़रूरी है, क्योंकि बाउंड्रीज पुश होंगी। वही जो बात है कि यार जब मेलोडिक रैप होगी नहीं तो फिर कैसे समझ आएगा ब्रो। अभी होगी, फिर एजुकेशन होगी कि यार ये चीज़ तो होती है दुनिया में, फिर और उसकी जो है उसके बारे में लव या रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो आई सपोज एट लीस्ट दिस मच इट इज़ absolutely refreshing to meet someone like you who's just doing the thing. आपको मेरे ख्याल में आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है, दो जो है, एक कि आपको recognition की जरूरत मतलब चाहिए नहीं, जिनसे validation अलग चीज़ होती है, validation मिल गई आपको कि यार आपका काम सेट है, करते रहो। recognition जो है जब आएगी तब आएगी इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि आप वही अगेन टॉप क्वालिटी, और हमने पहले बात को हमने बोला था कि इस बात पर आएंगे फिर इंशाल्लाह, टॉप क्वालिटी काम आप अपने घर में से बेसिकली मतलब कितना दूर अपने घर में से आप बना सकते हो राइट। सबको हर कोई यहाँ पे बना सकता है अपने घर से। तो मैंने आपसे पहले भी ये बात पूछा और उस वक्त शायद थोड़ा आपको मुश्किल लगा, लेकिन अब एक हद तक आके आपका जो म्यूज़िक है वो आपके मतलब आपके क्या इंटरनेशनल स्टार से कंपेयर किया जा सकता है? आपको डर लगता है इस चीज़ से या एक्साइटमेंट होती है, क्या होता है? कुछ लोगों को डर लगता है जाहिर है, कुछ लोगों को एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि छोटे तालाब में बड़ी मच्छी होना, बड़ी मछली होना इज़ ईजी मैन, यू नो इट्स ईजी एंड इट्स समटाइम्स इट्स डिज़ायरेबल। लोग बोलते हैं कि हमें यही करना है क्योंकि इसमें उनके भरम चलते हैं, बट अब तालाब बड़ा हो गया ब्रो, यू नो आफ्टर द यू नो अब जब टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है एंड ऑल दोस थिंग्स इतनी आम हो गई है, तालाब अचानक से बड़ा हो गया, तो क्या आपको फील होता है? Are you scared? Are you excited? Excited हूँ इस चीज़ को देख के, मतलब यार इंटरनेशनली अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें मज़ा ही आएगा। मुझे तो यार इस चीज़ को मैं इंजॉय करूँगा, मतलब इस चीज़ को मैं प्रॉपर, कि मुझे कोई बंदा इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ प्रॉपर जो है वो कर रहा है कंपेयर कर रहा है मुझे तो मज़ा आएगा इस चीज़ का। क्योंकि जैसे मुझे नहीं पता आपने तहा जी का काम सुना है? तहा जी को सुन रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, लेकिन तहा जी के दो तीन गाने स्ट्रेट अप वीकेंड वाइब नहीं देते देते हैं ना। अब आप जब ये उसको बोलोगे तो ज़ाहिर उसके लिए तारीफ की बात है ना कि यार आप वीकेंड वाली वाइब दे रहे हो, लेकिन उसको लगेगा लेकिन उसको थोड़ा सा शायद ये लगेगा कि यार नहीं यार मैं तहा जी हूँ, मुझे वीकेंड क्यों कह रहे हो ये वो। ब्रो ये अच्छी बात है ना, वैसे ये तो होना चाहिए ना कि आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा ये मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ये कॉम्प्लीमेंट है। सही, कंपेयर किसी के साथ भी ना करो। और मुझे काफी लोग कहते हैं कि इसका साउंड जो है इसकी तरह है, इसका साउंड किसकी तरह है, हैं दो तीन आर्टिस्ट, नाम नहीं लूंगा क्यों नहीं लोगे ना, वो तो इंटरनेशनल नहीं है वो। हाँ इंटरनेशनल है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार ये मेरा साउंड है, ये एहसन है, ये मैं हूँ। फेयर इनफ, ऑलराइट, फेयर इनफ, फेयर इनफ। देखो यार वाली बात है ना कि आप वो क्या बोलते हैं, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉपी कर रहे हो तो आप तारीफ कर रहे हो किसी और की। अगर किसी को कॉपी भी कर रहे हो ना, अगर आप 100% किसी को कॉपी कर रहे हो, जैसे आपने अभी बोला कि आपका ये अपना साउंड चेंज करने की एक वजह ये थी कि यू वांटेड टू साउंड डिफरेंट, लेकिन अगर आप 100% किसी को कॉपी कर J47 को कॉपी कर रहे होते, आप उनकी तारीफ कर रहे हो एक तरीके से। बस ये मानो जो हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये मानो कि हाँ भाई मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये ना बोलो कि नहीं ब्रो ये मेरा अपना ओरिजिनल साउंड है, वो तो बिल्कुल उन जैसा कैसे लग रहा है। ये अब यहाँ पे पता क्या चलता है, एक चीज़ चलती है फुल कॉपी करके तो बाद में कहते हैं जी इंस्पिरेशन लिया हमने उनसे, वो चीज़ नहीं अच्छी होती है। वो चीज़ नहीं अच्छी होती, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। पर अगर कॉपी किया तो पूरा बोलो कॉपी किया है, लेकिन वो कोई नहीं बोलेगा, वो कोई भी नहीं बोलेगा कॉपी किया। अजीब
ایز اے معاشرہ نا ہم تھوڑے سے پھنسے ہوئے ہیں کن چیزوں میں, پتہ نہیں کیا سین ہے ہمارا. آنیسٹلی پوری اس پوڈ کاسٹ میں تو یہی سوچتا رہا کہ سین کیا ہے ہمارا, ہنسے کیوں ہے برو, پتہ نہیں آج کل مجھے یہ فیل ہو رہا. حالانکہ سوچو ان ٹرمز آف اگین لائک وی اسپوک اباؤٹ میوزک, میوزک انڈسٹری کا اچھا سین ہے ابھی, یو نو پیپل لائک یو کین, آپ کو کسی کی ضرورت الحمد للہ نہیں ہے ٹیکنیکلی, آپ کولیبریٹ کرو ایک مطلب شوقیہ بات ہے لیکن, اور مطلب اچھا ہے ہر جگہ سے انڈسٹری بڑھتی ہے, لیکن آپ ٹیکنیکلی گھر بیٹھ کے اپنا کام پورا گھر سے نکال سکتے ہو, پوسٹ بھی کر دیا اسپوٹیفائی پہ, یوٹیوب پہ بھی, ہر چیز گھر سے کر لیا, اور کولیبریشنز ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے, اینڈ مطلب دیر از جسٹ سو مچ اسٹف ہیپننگ اینڈ سو فاسٹ, یہ سب اچھی چیز ہے. لیکن ایک چیز ہے, گھر میں بیٹھ کے آپ وہ چیز نہیں کر سکتے, مطلب جو پراپر آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے, لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, ڈفرینٹ آرٹسٹ جتنے بھی ہیں مطلب ڈفرینٹ ہر طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے آپ کو, اپنا کام بڑھانے کے لیے, بڑھانے کے لیے بھی نہیں, مطلب یہاں پہ آئے گی, یہاں پہ وہ بات کہوں گا کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسپریشن کے لیے, مطلب آپ کسی سے جا کے ملتے ہو, اس کا کام سن رہے ہو, اس کو اپنا کام سنا رہے ہو, بنا نہیں رہے کچھ اس کے ساتھ, صرف اس کو اپنا کام سنا رہے, وہ آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو, بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ چیز ہے, مطلب اس چیز کو آپ کہہ سکتے ہو کہ انسپریشن ہے, گانا چھاپ کے کہنا کہ بھائی انسپریشن ہے, وہ انسپریشن نہیں ہے. یار بتائے, آئی تھنک اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی, لیکن انٹرنیشنلی اس چیز کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے, کیونکہ آپ سوچو آپ آرٹسٹ کا رسک ایک طریقے سے, مطلب رسک تو نہیں آپ چھین سکتے ہو لیکن آپ ان کی روزی چھین رہے ہو, کہ یہ آرٹسٹ نے بنایا نا تو اس نے بہت سارے اپنے محنت پیسے سب کچھ لگایا ہے, اب ان کو پیسہ ملنا چاہیے اس چیز کے لیے. اگر آپ کاپی کرتے ہو اور آپ کاپی کر کے اپنا بول کے چلا رہے ہو, یو آر اسینشلی رابنگ دی آرٹسٹ, رائٹ؟ اور آرٹسٹ کوئی اتنا امیر ویسے بھی نہیں ہو, مطلب باہر شاید ہوتے ہوں گے, یہاں پہ اتنے امیر ویسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ یہ کب تک برداشت کریں, یو نو. اور پھر مطلب وہی والی بات ہے کہ چوری کرو یا ان کو بہت کم پیسے دے دو, جس جو بھی کرو آپ, غلط بات ہی ہے نا. بہرحال برو, آئی تھنک دس ہیز بین اے ونڈرفل ونڈرفل ٹائم, ہم نے مستیاں بہت کی, دس از اے فن پوڈ کاسٹ آئی تھنک, اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو کیم اوور, اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ واٹ ایور یو ڈو نیکسٹ. ان شاء اللہ جو بھی آپ کرو گے اللہ کرے گا اچھا ہی ہوگا خیر سے, بیکاز یو ہیو دیٹ یونیک you know character that's very important in our music scene, you know. Sabhi dekho, musicians waise bhi artist hote hain, sabhi thode out there hote hain, lekin unme bhi ek aur zyada out there banda lazmi hota hai mere khayal mein. I think you're definitely out there, man. Final thoughts before we end the podcast, local scene mein abhi aapko سب سے زیادہ انسپائر کون کرتا ہے؟ فل کلک بیٹ میں نے سوال پوچھ لیا ایسے ہی, پاکستان میں. ہاں, میرا موڈ ہو رہا تھا تلہانجم. ہاں, وائی؟ یہ دیکھو, یہ تعریف ہے برو سب کی تعریف ہے, لیکن کیوں تلہانجم کیوں آف آل دا پیپل؟ یار تلہ بھائی کے بارے میں نا میں عثمان سے بھی شیئر کی تھی یہ بات, میں نے کہا تلہانجم جو لکھ رہا ہے نا, میرے خیال سے میں وہ واحد بندہ ہوں جو اس کے شروع سے لے کے ابھی تک کے جتنے گانے ہیں نا, ہاں, سارے ٹوٹل ہر ایک لائن میرے سارے ریلیٹ ہوتی ہے. انٹرسٹنگ, اوکے. مطلب کوئی بھی گانا نکال لو آپ, اس گانے کو میں آپ بریک ڈاؤن کروں گا کہ بھائی یہ سب کچھ ہوتا رہا میرے ساتھ. تو مطلب اس وجہ سے بھی, ڈو یو تھنک کہ دا پاور اور دا اسٹرینتھ آف ہز لیرکس از سچ کہ ہر کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے, شاید میں بھی یہ بات کہہ سکوں, شاید یہی ان کی خاصیت ہے ماشاء اللہ سے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. چلو برو, دس ہیز بن ونڈرفل, یو نو یو ڈوئنگ ونڈرفل ورک, رائٹ؟ پلیز اپنا انسٹاگرام پہلے شاؤٹ آؤٹ کرو, پھر یوٹیوب, پھر اسپوٹیفائی پہ. تو ایسا نہیں ہے نا؟ ہاں, اوکے. پہلے انسٹاگرام احسن آصف مغل, احسن آصف مغل آن انسٹاگرام, یوٹیوب احسن آصف مغل یوٹیوب, اور youtube.com/ehsanasifmughal. ہاں, گڈ, کول. اور آپ کا اسپوٹیفائی احسن. اچھا, اور سب سے زیادہ آپ کو فائدہ کہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ کے گانے سنے جائیں یوٹیوب پہ, اسپوٹیفائی پہ, کہاں پہ؟ اسپوٹیفائی پہ سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسپوٹیفائی پہ. تو ہاں, زیادہ سنو وہاں پہ بہتر ہے میرے خیال میں. پوڈ کاسٹ میں بھی یہی ہوتا ہے,
हाँ ये भी जो नहीं नहीं देखो यहाँ पे ये भी जाके स्पॉटिफाई किसी आप क्या कर रहे हो स्पॉटिफाई पे जाके सुनो या गूगल पॉडकास्ट पे या किसी ऐसी चीज पे गूगल पॉडकास्ट के इनके गाने नहीं होंगे लेकिन आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं. Anything else? Anything that we need to look forward to? Album आपने बोला आ रहा है अभी इंशाल्लाह उसमें time है थोड़ा गाने शाने कोई कब गाना एक तो आ जाए हाँ एक दो वीक बाद आएगा हाँ अच्छा as of today 18th February single with JJ47 called J is out check that out and my personal favorite अभी तक is खुद ही अभी मैं फिर से देखूंगा दो तीन दफा फिर बस जाएगा मेरे दिमाग में कलम is obviously good but yeah check him out on Spotify and हाँ यार मजा आया हाँ ऐसन मजा आया ऐसन काजी उस्मान अस्सलाम वालेकुम